हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने डीडी फ्रीज का सेटअप बॉक्स चालू किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमें वीक सिग्नल देखने को मिल रहा है, पिक्चर कट कट कर चल रहा है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारा जो डिश एंटीना है तो वह सही सेट है और आप इसका सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं कि 9, 10, 12 ऑटोमेटिक दोस्तों यह सिग्नल क्वालिटी जो अप डाउन कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह डीडी फ्रीज का एम्पेक्टिव सेटअप बॉक्स है जिस पर अधिकतर यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। हमारा डिश एंटीना सही भी होता है तब भी हमें इस प्रकार का प्रॉब्लम टीवी पर देखने को मिलता है। पिक्चर जो है कट कट कर चलता है और सिग्नल वीक देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पावर सप्लाई है, तो मैंने पावर सप्लाई नया लगाया हुआ है और इसका जो है पुराना वाला पावर सप्लाई है जिस पर सेम प्रॉब्लम था, लेकिन दोस्तों नया पावर सप्लाई लगाने के बाद भी सेम समस्या है। तो यह जो समस्या है अधिकतर इस फ्री वाले सेटअप बॉक्स पर देखने को मिलता है। अगर आप नया पावर सप्लाई लगा भी देते हैं तो भी आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपका डिश एंटीना सही होता है फिर भी आपको यह समस्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, आप इस फॉल्ट को अपने घर पर भी बड़े ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपके पास भी अगर यह फॉल्ट देखने को मिलता है तो आप इस प्रकार के फॉल्ट को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस फॉल्ट को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको इस प्रकार से बिजली का जो वायर होता है जो कि हमें मार्केट में 3 से 4 रुपये मीटर मिल जाता है, और दोस्तों आपको यह जो कॉपर वाला वायर है तो आपको कॉपर वाला वायर ही यूज करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो लेंथ है दोस्तों, इस वायर का जो लंबाई है तो करीब लगभग 1 मीटर के लगभग, 1 या 1.25 मीटर के लगभग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका एक वायर जो है तो निकाल लेना है हमें इस प्रकार से। अब दोस्तों आपको यह वायर जो है तो सिंगल वायर यूज में लेना है। और अब आप इसे क्या करेंगे, तो आपको इसे एक कॉइल बनाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसे इस प्रकार से आपको एक कॉइल टाइप का बना लेना है, इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस फॉल्ट को आप अपने घर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको एक 1 मीटर 1 मीटर के लगभग आपको यह वायर ले लेना है, बिजली वाला वायर पतला वाला, और आपको इस प्रकार से एक कॉइल बना लेना है। और अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप फॉल्ट देख सकते हैं कि हमारा टीवी पर सेम फॉल्ट है अभी। और अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों इसके बाद आपको ये जो पावर सप्लाई से हमारा वायर गया हुआ है इस मदरबोर्ड पर, तो इधर से जो फर्स्ट वाला वायर है ये वाला देखिएगा दोस्तों, यह 3.3 वोल्ट सप्लाई जो है हमारे पावर सप्लाई से बनकर और इस मदरबोर्ड को जाता है ऑन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यह जो वायर है हमारा 3.3 वोल्ट वाला, इधर से फर्स्ट वाला वायर, इसे आपको इस प्रकार से निकाल लेना है और इस वायर को आपको इस प्रकार से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इधर से जो फर्स्ट वाला वायर है 3.3 वोल्ट वाला सप्लाई, इसे दोस्तों आपको निकाल लेना है। और अब आप क्या करेंगे, तो इसे आपको इस प्रकार से छीलना है और ये जो हमारा हमने कॉइल बनाया हुआ है तो इसका एक पॉइंट हमें इस पर इस प्रकार से लगा देना है और इसे आपको अच्छे से टेपिंग कर देना होगा। और अब दोस्तों यह जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है, अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो अच्छा रहेगा, अगर दोस्तों सोल्डिंग आयरन नहीं है तो भी आप काम चला सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये जो पावर सप्लाई है इस पर आप एक डायोड देख सकते हैं दोस्तों, यह जो डायोड है इधर आपका लाइन लगा हुआ है कैथोड, जिधर लाइन नहीं लगा हुआ है इसका एनोड है, मतलब कि एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव। तो इस डायोड के इस पॉजिटिव वाले पॉइंट पर, इस एनोड वाले पॉइंट पर आपको इस वायर का यह जो दूसरा आपका छोर है तो आपको इस प्रकार से यहाँ अच्छे से लपेट देना है अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है।
अगर दोस्तों आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आपको इसे अच्छे से सोल्ड कर देना है, और मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सोल्डिंग कर दिया है, और आप भी इस प्रकार से इसे अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो सोल्डिंग कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप यहाँ अच्छे से वायर जो है लपेट सकते हैं इसे डायोड के एनोड वाले पॉइंट पर, और आपको ये जिसका दूसरा पॉइंट है तो आपको ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसे आपको कट करके इस प्रकार से लगा देना है, और दोस्तों इसे आपको अच्छे से टेपिंग कर देना है। और अब मैं आपको इसे ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने इसे ऑन कर दिया है, और आप दोस्तों मैं आपको टेलीविजन पर भी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था तो सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों आप सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं कि हमारा 48-49% सिग्नल जो हमें देखने को मिल रहा है, और इसके पहले आप देख रहे थे कि आपको जो सिग्नल क्वालिटी है तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, करीब 6, 7, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और आप सिग्नल क्वालिटी भी देख सकते हैं कि सिग्नल क्वालिटी दोस्तों हमारा बढ़ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक सिंपल सा ट्रिक अपनाकर अपने घर पर ही अपने डीडी फ्रिटिस का सिग्नल जो है तो बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों मैंने यह ट्रिक आपको बताया है। एक सिंपल सा ट्रिक है, केवल आपको यह वायर यूज करना है, और आप देखेंगे कि आपका जो सिग्नल क्वालिटी है तो दोस्तों आपका अच्छे से आने लगेगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो पर। नमस्कार।